हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज अप्रैल 3rd है और संडे है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो आज हम लोग थोड़ा फ्रेश फिश मार्केट होके आएंगे। अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 8 और ये मार्केट 8 बजे के अंदर ही खुलता है। यहाँ से जो मार्केट का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स में कवर हो जाएगा, तो हमको जाके ही फ्रेश मछली मिल जाएगा। और वो जगह बेंगलोर में हिपाल जंक्शन में है। मैं लोकेशन एग्जैक्टली डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हो फॉर फ्रेश फिश। और वेरियस टाइप्स ऑफ फिश वहाँ पे मिलता है, तो एक हम लोग वीडियो भी करेंगे उस जगह का जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि क्या क्या फिश है, क्या क्या नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम टू द ब्लॉग वंस अगैन। टायर का इशू हो रहा है, थोड़ा देखो तो क्या है। टायर तो फ्लैट है। फ्लैट है ना? हाँ। तो अभी इसको ठीक करवाना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, सामने तो चलो पेट्रोल पंप मिले तो फिर देखो। सामने तो एक होता है, अब मिलता है तो सही है, नहीं तो लेट हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बसराज गए वो टायर में पंप करने, क्योंकि टायर में एकदम ही हवा नहीं है और हम लोग आगे नहीं जा पा रहे। तो मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ जब तक वो नहीं आता है, और देखते कब जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो मार्केट बंद भी होने वाला है और आज बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि कल यहाँ पे इन लोगों का फंक्शन था, हमारा नहीं था। मतलब यहाँ पे बेंगलोर में फंक्शन है, उगेडी फंक्शन है, एंड आज तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है सारे शॉप्स पे। लेट्स सी कब तक पहुँच पाते हैं वहाँ पे मार्केट पे। गाइस, ये पीछे जो ये बैकग्राउंड है ना, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है ये जो पेड़ कैसे, मतलब स्ट्रेट जो ये क्लाइंबिंग ट्री सजाते हैं डेकोरेशन के लिए, इट्स लुक गुड ना। और सुबह सुबह यहाँ पे सब वॉकिंग बाइसाइकिंग करने निकल पड़े हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह उठना नहीं होता है। पता है, मतलब रात को थोड़ा सा लेट से सो जाओ और सुबह थोड़ा सा लेट से उठो, वो उसमें जो मज़ा लगता है ना, और आलस जो लगता है ना, ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा 5 मिनट और 5 मिनट और। आप लोग भी बताना किस किस को ऐसा लगता है। यहाँ पे सब साइकिलिंग कर रहे हैं, देख पा रहे हो आप। मुझे भी मन ही था साइकिलिंग करने का, पर साइकिलिंग किए हुए बरसों हो गए, मैं कब लास्ट की थी आई डोंट नो। और बसरा जब होता तो बहुत चिढ़ा था। मैंने बाइसाइकिल तो की हुई है बट 4 पहियों में तो इसीलिए जो आदत थी ना, मतलब 2 पैर में और बैलेंस वो जा चुका है कम्प्लीटली, और मैंने उसके बाद टाइम ही नहीं मिला सीखने के लिए, तो दैट इज़ द रीज़न। तो दूसरों को देखती हूँ तो अपना याद आता है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ एंड पता नहीं कि कब तक बसरा जाएगा। सो यहाँ पे बैठ के मैं ये पेड़ देख रही थी, ये पीपल ट्री है शायद, और कितना अच्छा लग रहा है, हवा दे रहा है। दिस इज द पीपल ट्री। मैं वेट कर रही हूँ प्लीज आ जाए, उसके बाद निकले। यहाँ पे बैठे बैठे नींद आ रहा है, जस्ट नींद से उठ के आए और मुझे बैठा के चले गए। मैंने ही बोला था जाने के लिए यार, चली जाती तो सही रहता। अब 10 मिनट लगने वाले हैं, अभी कॉल आया था। अब लाइक सी वो टायर ठीक होता है कि नहीं, नहीं अगर नहीं होता है तो घर जाना पड़ेगा, क्योंकि घर के पास एक मैकेनिक है तो वहाँ से कराते हैं नॉर्मली। और ये जो स्कूटी जब से लिया गया है ना, मतलब क्या बताओ, मतलब कौन सा मनुष्य घड़ी में हमने लिया था पता नहीं, जब से लिया है कुछ टाइम के बाद ही ख़राब हो जाता है। लाइक पहले कभी स्टार्ट नहीं होता है तो किक मारना पड़ता है, किक स्टार्ट करो सेल्फ स्टार्ट करो फिर भी ये स्टार्ट नहीं होता है। अभी तो हद हो गई, अभी टायर का इशू है। अब लेट्स सी वो सही हो जाता है, टायर तो सही हो जाना चाहिए, आई डोंट नो, लेट्स सी अब क्या होता है। बैठे रहो और टाइम सब आ रहे जा रहे और मैं बैठी हूँ। तो बीच में हम लोगों का टायर पंक्चर हो गया था और बहुत मुश्किल के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं फिश मार्केट में। तो टायर ठीक करवाने में ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगा, क्योंकि वहाँ पे 3 माइनर पंक्चर्स थे, तो वो निकालने में भी काफ़ी टाइम लगा। अभी आपको दिखाते हैं जो फ्रेश फिश मार्केट है, वो संडे मार्केट भी हम लोग बोलते हैं,
तो ये इसका एक नज़ारा आप लोगों को दिखाता है। भैया कातला कितना करके? 220। भैया ये बड़ा वाला कितना करके है? 500। और वो छोटा छोटा वाला कहाँ? छोटा सिंगड़ी कितना है? छोटा सिंगड़ी खाली हो गया। खाली हो गया, खाली हो गया, ठीक है। बड़ा वाला 550। हाँ अभी जा रहे हैं लेंस कार्ट से हम लोगों का स्पेक्स लेने। भैया लेंस कार्ट ना, थैंक यू। ये बन गया हम लोगों का लेंस कार्ट का न्यू स्पेक्स, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा पावर चेंज हो गया तो इसके लिए हम लोगों ने नया स्पेक्स मंगवाए। काफ़ी एक्साइटेड है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी पता नहीं किसका पार्सल आया होगा। एक्चुअली हम लोग ने टोटल 4 लेंस कार्ट के ग्लासेस ऑर्डर किए थे। ऑर्डर नहीं, एक्चुअली स्टोर में जाके दिखाए, स्टोर में जाके परचेस किए थे। तो अभी ये ऑर्डर आ चुका है हमारा। ये खोलो पहले, देखते हैं किसका ऑर्डर है। ये है लेंस कार्ट का अनबॉक्सिंग और ऊपर लिखा है मेड बाय रोबोट जीरो एरर। इसका मतलब क्या है? इंसान काम नहीं करता क्या उस जगह पे? ये है विंसेंट चीज का, श्रद्धा कपूर। ये है विंसेंट चीज का मॉडल और ये बन ये गया हम लोगों का अनबॉक्सिंग। तुम्हारा ही है शायद, देखो देखो। अपना ही चश्मा अपने हाथ पे आ गया पहले। ये मेरा चश्मा है, पहनो पहनो। ये नया वाला है, मेरा चश्मा है। ऐ हाय सही है ना? हां सही है, थोड़ा ऊपर लग रहा है, थोड़ा नीचे करो, नाक से ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, लेकिन सही लग रहा है ना। अब दूसरा वाला अनबॉक्सिंग करते हैं। दूसरा वाला अभी करो। अब तो मजे आने वाले। मेरा चश्मा ही मेरा पहला चश्मा है जिंदगी के। हाँ, मैं तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था चश्मा पहनने के लिए। मैं वैसे रेगुलर स्पेक्स यूज नहीं करता हूँ, लेकिन कभी अगर पीपीटी करना पड़े तो तब यूज करता हूँ। ये भी सेम ब्रांड का है, लेंस कार्ड से ही आया है। एक कूपन भी मिला हम लोगों को, 250 रुपीज ऑफ। कौन खरीदेगा अब नेक्स्ट टाइम? ओ ये वाला भी एक कूपन ही था। ये दो क्या वन ईच के लिए? माई ग्लैम, ये दूसरे के लिए। ये है माई ग्लैम। अगर माई ग्लैम वेबसाइट से कोई कॉस्मेटिक्स परचेस करना चाहते हो तो दिस इज द कूपन। ओके, ये और ये वाला भी विंसेंट चीज का ही है। देखते हैं, ये शायद अन्वेषा का है। और हाँ ये तो अन्वेषा का ही लग रहा है। ये बताओ कि कैसा लग रहा है ये ग्लासेस? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नया डिजाइन है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। होपफुली अच्छा लग रहा है। हाँ। तो मैं ये चूज कर रही हूँ फर्स्ट ग्लासेस। संडे का रूटीन जैसे ऐसा बोल रहे हो कि मैं नहीं करती हूँ। वीकेंड वीकडेज में कपड़े धोना और कपड़े देना, ये है मेरा रूटीन। पूरा हफ्ता बीबी करे घी से और वीकेंड का क्रेडिट ले लो तुम। ऐसा तो नहीं है, सही है, सही है। कपड़े धोना है हफ्ते भर का, कपड़े एक दिन में ही धोना है या फिर मैक्सिमम 2 दिन में, वो भी मैं ही कर लेता हूँ। कपड़े धो के कपड़े को सुखाना और उनको वापस लाना, लाने के बाद कबर्ड में डालना,
वो भी इंडिविजुअल कवर्ड है हम लोगों का, तो वो इंडिविजुअल कवर्ड में डालना मेरी जिम्मेदारी, ये मैं खुशी खुशी कर लेता। सही है, ये ऑन रिकॉर्ड हो गया, आगे से तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अभी क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ, जो तुमने आधा काम छोड़ा है वही कर रही हूँ, और क्या करूँगी। मैंने आधा काम नहीं छोड़ा, मेरा जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो मैंने कर लिया, बाकी अब तुम देख लो। वैसे ही मेरा चश्मा है मैंने पहन तो लिया, पर पता नहीं ये फेस पे सूट कब तक होगा, मुझे तो अजीब लग रहा है। पहले पहले थोड़ा अजीब लगेगा, कुछ एक दो महीना थोड़ा हेडेक्स भी होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये हैबिचुएटेड हो जाएगा। बट ये लेंस मुझे ना ज्यादा ही वो लग रहा है, बच्चों को देखो ना कितने क्यूट। वहां पे नीचे बच्चे हम लोगों को फ्लैश कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट, अभी नहीं कर रहे हैं। हां बाय। अच्छा लगता है ना इन बच्चों को देख के, ये बच्चे का भी काफी क्यूट है। अभी उनका शायद न्यू ईयर है ऐसा कुछ। हाँ कल उगाड़ी था, तो ये कर्नाटक का न्यू ईयर है। वो नहीं था सीरियल जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं, उसमें जैसी का चश्मा इधर आ जाता था और जैसी ऐसा करती थी, और वो थोड़ा चिपको जैसा बाल बना के सब उसको चिरा देते, पर ऑफिस में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो मैं भी ऐसे ऑफिस में जाऊंगी। ठीक है, और हम लोग चिराएंगे तुमको, चोटी बना के। ठीक है, हम लोग चिराएंगे तुमको, एकदम सीधी सादी एकदम शांत, सबसे बेस्ट प्रिटेंड करूंगी। ठीक है, जैसे जैसे कोई नहीं मुझे भी नाम दिया जाएगा। चलो बाकी के कपड़े करो और कैमरा बंद करो। सात बच्चे, मतलब गजब गजब, देखो वहाँ पे बच्चे, ये छोटा सा नन्ना सा बच्चा यहाँ पे लाइट दिखा रहा है, यहाँ पे बुढ़ा सा बच्चा यहाँ पे सिग्नल पास कर रहा है, मतलब हद हाल है। ये करो तुम, वो भी दांत निकाल निकाल के हंस रहा है। ठीक है, टाटा, अब बंद, अब हो गया एपिसोड खत्म, तुम लोग खेलो। हाँ बाय बाय। पता है बचपन में एक चीज याद आ गया, आप लोग अगर करते हो तो प्लीज जरूर बताना, हम लोग जो बेंच पे बैठे रहते थे, टीचर जब चौक से लिखते थे ना बोर्ड में, तो पीछे वाले जो अभी भी कर रहे हैं जो पीछे वाले जो बैठते थे ना बेंच पे और विंडो वाले सीट पे, तो हम लोग स्केल दिखाते थे ऐसे ऐसे करके, और लाइट स्केल पे आता था रिफ्लेक्शन किसी और जगह आ रहा था, तो जो इस पे आ रहा था वो देखता था पीछे, और टीचर जब तक घूम रहा था रिफ्लेक्शन डाउन, तो वो देख के बच्चा वाला जो मिरर से कर रहा है ना, तो देख के बचपन का याद आ गया। हो चुका है लंच खत्म हम दोनों का, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और थोड़ा सा रेस्ट करने से पहले मैं देखूंगी स्मार्ट चोरी, उसके बाद थोड़ा सो लूंगी, शाम को मिलते हैं। ओके, ध्यान से देखो ये आदमी को जो कि कुत्ते का वीडियो देखते हैं सुबह शाम रात भर, कोई काम नहीं है ना? थोड़ा बस कुत्ते का वीडियो देखो। अभी नैपी टाइम हो चुका है और ये शाम हो चुकी है, लगभग 7:45 या 6:30 हो चुका है, एंड यहाँ पे बालकनी में ना शाम को बहुत ही मज़ा आता है कि थोड़ा सा खुली सांस लेना और हल्की हल्की हवाएं, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जाऊँगी थोड़ा सा चाय बनाऊँगी, देखती हूँ थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा है, एंड उसके बाद आज कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं, स्ट्रेंज। मैंने कुछ कुछ देखने के लिए खोला था नेटफ्लिक्स एंड कुछ नहीं था, उसके बाद नींद नहीं आई, एंड मैंने स्मार्ट जोड़े का कल का एपिसोड देखा, नहीं कल का नहीं, आज रात का एपिसोड जो हॉटस्टार में पहले से रिलीज़ हो चुका है, तो मैंने देखा था दोपहर को। तो अभी चलते हैं चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद देखती हूँ कुछ अगर हो इंटरेस्टिंग करने के लिए तो करूँगी, नहीं तो ऐसे ही बैठे बैठे आज वही होगा, लेज़ी डेज। अभी हम लोग डिनर हो चुका है, एंड अभी कितना हो चुका है टाइम, 10:30 हो चुका है, एंड अभी स्लीपी टाइम है तो अभी सोना पड़ेगा, एंड कल सुबह ऑफिस भी है, सो गेट सेट रेडी, लेट्स स्लीप नाउ। सो आप लोग से फिर से मिलते हैं कल एक दूसरे ब्लॉग के साथ, तो सी यू टिल देन, बाय बाय।